सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यामा RM5 V4 के बैटरी कंपार्टमेंट की। तो देखो नीचे की तरफ सीट के नीचे भी दिखाता हूं कि जो नीचे सीट है उसके नीचे हमें कंपार्टमेंट क्या मिलता है, क्योंकि जो हमारी पहले वाली V3 थी उसके नीचे हमें यहाँ नीचे टूल्स मिलते थे रखने के लिए। तो इसके लिए आपको दो क्लिप्स रिमूव करनी होगी। ओके, फिर उसके बाद ठीक है, ईजिली दोस्तों रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर दो पेज होंगे जो एलन की से 5 नंबर से ओपन हो जाएंगे। हमने ओपन कर लिया ताकि वीडियो के अंदर आपका टाइम कंज्यूम ना हो। चलिए सीट को बाहर निकालते हैं। सो एज यू कैन सी दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का नीचे कंपार्टमेंट मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो नीचे का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। बट यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मुझे यामा के अंदर माइनस पॉइंट यही लगी कि अगर आप नीचे कोई भी आइटम्स यहाँ पर रखते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी सीट को ओपन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना मेडिकल टूल रखा। यहाँ पर आप और भी कई आइटम्स रख सकते हैं, सीट इजीली माउंट हो जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ पर माउंट करके दिखा देता हूँ। एक बार विजय प्लीज़ आप इस सीट को रखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इजीली आपकी सीट माउंट होगी। उसके बाद भी आपको यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। ये देखिए इतने स्पेस में आप यहाँ पर कुछ भी आइटम्स रख सकते हैं। बस सिर्फ यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको जब भी इसको एक्सेस करना होगा यहाँ पर एलन कीज़ को डालना होगा, उसके बाद आपको इसको ओपन करना होगा। ये चीज़ थोड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों जब इतना ज़्यादा स्पेस है तो आई थिंक सो यामा को ये चीज़ अपग्रेड करते हुए दे देनी चाहिए थी कि इजीली हम यहाँ पर फ़ोन रख सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आइटम जो हम नीचे रखना चाहें और उसको इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों एरिया है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पर साइज़ के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सेम ही दोस्तों यहाँ पर जो V3 के अंदर मिलती थी सेम वही है। बट यहाँ पर जो ब्रैकेट है बस वो चेंज किया हुआ है, बैटरी सेम ही है। साथ ही आपको ये इश्यू यहाँ देखने को मिलेगा जो कि पहले हमारी जो V3 थी उसमें यहाँ पर देखने को मिलता था। उसके बाद जो यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एडिशनल फ्यूज़ बॉक्स मिलता है, अगर बाइक आपके यहाँ पर फ्यूज़ शॉर्ट हो जाते हैं तो आप इजीली यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो कि नंबर में यहाँ पर 15-30 है दोस्तों। साथ ही आपको 2 नंबर का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको टोटल यहाँ पर 3 तरीके के फ्यूज़ मिलने वाले और एडिशनल फ्यूज़ भी मिलने वाला है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।